नमस्ते दोस्तों, एक्सप्लोरिंग लेजर मोमेंट्स चैनल में आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आईपीएल ऑक्शन 2024 जो दुबई में होने वाला है 19 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे, और उसके लिए बहुत सारा न्यूज़ मार्केट में आया है कि कौन सा प्लेयर को कौन सा टीम ट्रेड किया है। बहुत सारा टीम बहुत सारा प्लेयर को रिलीज़ किया है, तो वो रिलीज प्लेयर किस टीम में जाने वाला है। और आज जो रिसेंट न्यूज़ है वो है कि जो आईपीएल का सेट निकला है कि कौन सा प्लेयर कौन सा सेट में है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेट नंबर 9 टू ऑल द वे, जो टोटल सेट्स है आपको पता होगा 19 सेट्स से, टोटल 19 सेट, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है 333 प्लेयर्स की जो लिस्ट निकाले हैं, जिसको लेके अभी ऑक्शन स्टार्ट होगा 19 दिसंबर को। तो वही सब सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। ये ऑफिशियल सेट है, बहुत सारा वेबसाइट में बहुत सारा फेक सेट निकल के आए हैं बहुत सारा वीडियोस में, लेकिन ये ऑफिशियल आईपीएल वेबसाइट से ये सेट हम लोग लिए हैं। और इसके ऊपर सिक्वेंशियली हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 करके बहुत सारे सेट में जाएंगे। हर सेट में जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेजर सेट से 1 से 5 हम जाएंगे, और फिर उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट सेट्स में जो प्लेयर टारगेट हो सकता है वो सेट के अंदर जाके देखेंगे कि वो कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा, मतलब टीम लड़ाई होगा वो प्लेयर के लिए, और फिर वो कौन सा प्लेयर है जो अनसोल्ड रह सकता है, और फिर वो कौन सा अनकैप प्लेयर है जिसको लेके मतलब कोई टीम इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो ये पूरा चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा वीडियो शायद मार्केट पे अभी नहीं आया हो, तो ये वीडियो कब अंत तक ज़रूर देखिए। आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा ऑक्शन से पहले आईपीएल का, कि कौन सा प्लेयर कौन से सेट में आने वाला है और कौन सा टीम उसको टारगेट करेगा। तो ये बहुत सारे एनालिसिस करके हम लोग मार्केट में आए, और ऐसे बहुत सारा वीडियो आगे भी हम लोग करेंगे कि कौन सा टारगेट प्लेयर्स होगा पर फ्रेंचाइज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आता रहे, और ऐसे पहले बार नहीं जैसे हमारे चैनल से आईपीएल के ऊपर वीडियो कर रहा है, पहले भी किया है और अच्छे से मतलब प्रेडिक्शन वो मैच किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि सेट नंबर 1 जो है उसमें पहला नाम जो है हैरी ब्रुक का है, इंग्लैंड का। रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट, मतलब कोई भी अमाउंट हो, हम ऐसे बात करते हैं कि ये जो प्लेयर है ये क्या बिकेगा, कौन सा टीम उसको टारगेट कर सकते हैं, कौन सा प्रोबेबल टीम्स उसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। जैसे हैरी ब्रुक को लेकर हम स्टार्ट करते हैं, तो हैरी ब्रुक लास्ट टाइम आपको पता होगा सनराइजर्स हैदराबाद में था, बहुत पैसे से उसको खरीदा गया था, लेकिन उतना मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं था। एक ही सेंचुरी किया था वो केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, उसको छोड़ के ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा टीम उसको अभी जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में हैरी ब्रुक वर्ल्ड कप में भी उतना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई टीम जाएगा तो मेरे ख्याल से दिल्ली, तो हाई चांस है दिल्ली हैरी ब्रुक को टारगेट करेगा अगर बेस प्राइस में लेता है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि हैरी ब्रुक फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड रहे। दूसरा नाम जो है ट्रेविस हेड, ये नाम मेरे ख्याल से इस बार आप देख के रखिए, ट्रेविस हेड बहुत ज़्यादा दामों में बिकेगा क्योंकि बहुत सारा टीम ट्रेविस हेड को टारगेट करेगा। अभी कौन कौन सा टीम टारगेट कर सकते हैं, एक तो केकेआर, उसके पास जेसन रॉय है, लेकिन एक ऑल्टरनेट ओपनिंग बैकअप के ऑप्शन से वो ट्रेविस हेड को जरूर जाएगा। और ट्रेविस हेड अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ओपनर वो एक ऑफ स्पिनर भी है, तो ये एक एडवांटेज होगा इंडियन पिचेस में। तो ट्रेविस हेड के ऊपर केकेआर छोड़ के जो दूसरा टीम जा सकता है वो है पंजाब। पंजाब तो वैसे ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ऊपर दाव लगाते हैं, और वो लोग इस बार जॉनी बेयर्स तो शिखर धवन है टॉप में, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार ट्रेविस हेड के ऊपर पंजाब जा सकते हैं। और तीसरा जो टीम मुझे दिख रहा है वो है दिल्ली कैपिटल्स, वो लोग के भी ऑस्ट्रेलिया भरे हुए हैं, और चौथे टीम है आरसीबी। तो ये चार टीम मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड के पीछे भागेंगे, और फिर अल्टीमेटली मुझे जो लग रहा है पंजाब और आरसीबी के बीच में कोई एक शायद ट्रेविस हेड को लेके जाएंगे, तो अभी देखते हैं। उसके बाद करुण नायर मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड में तो डेफिनेटली अनसोल्ड रहेंगे। मनीष पांडे ज़्यादा तो डिमांड में नहीं होगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है सीएसके एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ अंबती रायडू जो लास्ट ईयर रिटायर किए हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट मनीष पांडे विल बी द आइडियल चॉइस। तो आई थिंक सीएसके विल गो फॉर मनीष पांडे। रॉफमैन पावल दिल्ली में था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस रहा है, तो अगर जाएगा तो सनराइजर्स हैदराबाद को ही दिख रहा है। अदर देन दैट आई कैनॉट सी रॉफमैन पावल गोइंग। राइली रूज अगेन केकेआर, आई विल से केकेआर के पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो केकेआर के साथ खेलने भी चाह रहे थे लास्ट ईयर से, तो राइली रूसो को केकेआर बीट कर सकते हैं, तो देखते हैं। स्टीव स्मिथ डिपेंडेबल प्लेयर है, थोड़ा टीम स्वाप हुआ है इधर उधर, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार स्टीव स्मिथ शायद एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में तो अनसोल्ड रहेंगे। तो ये कि आपका सेट 1,
अब इसके बाद आते हैं सेट टू। ये बहुत ही डिमांडिंग सेट होगा, इसमें बॉलर्स आए हैं, और सिर्फ बॉलर नहीं ऑलराउंडिंग बॉलर जो बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। तो उसमें पहला जो नाम आप देख रहे हैं ना जेरल क्वाड्जी, तो ट्रेविस हेड के बाद ये दूसरा नाम आप लिख के रखिए जिसके ऊपर बहुत डिमांड होगा। तो जेरल क्वाड्जी चेन्नई CSK हाई चांस बीट करके अपने ऊपर ले लेगा। KKR भी जाएगा जेरल क्वाड्जी के लिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये दो टीम और इसके साथ साथ RCB, ये तीनों टीम मतलब जेरल क्वाड्जी को लेके जरूर पीछे भागेंगे, लेकिन फिर अंत में मुझे ऐसा लग रहा है CSK शायद लेके जाएंगे। पैट कमिंस को लेके बहुत सारा ऐसा अफवाह आ रहा है कि KKR के वापस आएंगे, KKR उसको लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि KKR एक या दो बार बहुत पैसे देके पैट कमिंस को लिए हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस के लिए पैट कमिंस चले नहीं। और ऐसा लग भी रहा था कि इंडियन पिचेस में IPL T20 फॉर्मेट में पैट कमिंस शायद उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आई डोंट सी पैट कमिंस गोइंग टू KKR अगेन। डेफिनेटली पंजाब टारगेट कर सकता है, पंजाब, बेंगलोर या दिल्ली, ये तीनों टीम में से मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसके साथ मैं एक और टीम का नाम बोलूंगा जो को नहीं बोला है, वो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने भी बहुत सारा फास्ट बॉलर को रिलीज किया है, इंक्लूडिंग अल्ज़ारी जोसेफ, तो पैट कमिंस कैन बी एन ऑप्शन फॉर गुजरात टाइटंस एज वेल। उसके बाद वरिंदु हसारंगा, RCB फिर से कोशिश करेगा ऐसा मुझे लग रहा है कि कम प्राइस पे उसको लेने के लिए अगर मिलता है, वरना वरिंदु हसारंगा कैन गो टू सनराइजर्स हैदराबाद एज वेल। डैरल मिचेल आई थिंक CSK, ऐसा लग रहा है। बहुत सारा टीम जाएंगे डेफिनेटली, उतना ज्यादा नहीं ट्रेविस हेड और जेरल क्वाड्जी की तरह, लेकिन फिर भी KKR भी टारगेट कर सकता है डैरल मिचेल को, सनराइजर्स भी कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि CSK एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बेन स्टोक्स, आई थिंक डैरल मिचेल वहां पे जा सकता है। फिर अजमतुल्ला उमरजई को भी कुछ टीम टारगेट करेंगे, देखते हैं, मतलब ये ओपन रखते हैं ये कौन से टीम में जाएंगे। हर्षल पटेल, इसको लेके बहुत सारा कुछ हो रहा है कि KKR टारगेट कर सकता है हर्षल पटेल को, लेकिन मैं बोलूंगा KKR को शायद ना मिले हर्षल पटेल, दैट्स व्हाट आई फील। हर्षल पटेल मुझे दो टीम में दिख रहा है जाएंगे, RCB जरूर ट्राई करेंगे फिर से कम दाम में लेने के लिए, अगर नहीं होता है तो फिर दिल्ली डेयरडेविल्स या CSK, ये दोनों में से कोई एक हर्षल पटेल को लेगा। रचिन रविंद्रा के ऊपर CSK जरूर जाएंगे, क्योंकि वही न्यूजीलैंड फ्रेंचाइज, वो एक बहुत बड़ा है, अगर न्यूजीलैंड को नहीं मिलता है रचिन रविंद्र तो आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद विल बी द नेक्स्ट टीम अगर CSK को नहीं मिलता है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर के ऊपर आई डाउट, बट ही इज अ वेरी गुड इंडियन ऑलराउंड ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली अनसोल्ड तो नहीं जाएंगे। दिल्ली KKR तो शायद नहीं लेंगे, तो मे बी ही विल गो टू बैंगलोर, दैट्स वॉट आई फील, और मे बी पुराना फ्रेंचाइज CSK उसको वापस ले ले, तो आइदर CSK और RCB में से कोई एक शार्दुल ठाकुर को लेगा। क्रिस फोक्स इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई फर्स्ट राउंड में उसके ऊपर जाएगा नहीं। फिर आ जाते हैं सेट थ्री में, जिसमें स्टार्टिंग हो रहा है विकेट कीपर से। KS भारत डिमांड में रहेंगे, KS भारत इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन है, KKR जा सकता है KS भारत के ऊपर, लेकिन हम लोग एक बाद में एक नाम भी देखेंगे जिसके ऊपर KKR शायद जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में KKR अगर ले लेता है KS भारत को, अदरवाइज दिल्ली तो शायद नहीं लेगा KS भारत को, ले भी सकता है अगर ऋषभ पंत का थोड़ा ऑफ एंड मिड पीसेस है, तो दिल्ली और KKR में से कोई एक रख देते हैं KS भारत के लिए। जॉश इंग्लिस, तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड जेरल क्वाड्जी के बाद, और डैरल मिचेल थोड़ा बहुत, तो उसके बाद जॉश इंग्लिस के ऊपर भी बहुत बोली लगने वाले हैं। और जॉश इंग्लिस के ऊपर आई डाउट KKR ऐसे मिस्टेक नहीं करेगा कि गुरबाज का रिप्लेसमेंट एक और फॉरेनर, क्योंकि उसको इंडियन विकेट कीपर चाहिए, तो शायद जॉश इंग्लिस KKR में नहीं जाएंगे। तो कहाँ जा सकते हैं, मुझे लग रहा है इधर सनराइजर्स हैदराबाद या तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो देखते हैं क्या होता है। कुशल मेंडिस, फिल सॉल्ट आई डोंट थिंक उतना कुछ इम्पैक्ट करेंगे। ट्रिस्टन स्टॉप्स पे जरूर KKR बीट कर सकता है, KKR और हैदराबाद में से एक। फिर लॉकी फर्गसन शायद पहले राउंड में अनसोल्ड रह जाए, सिमिलरली अल्ज़ारी जोसेफ। फिर आते हैं दिलशन माधुशंका, जी हाँ दिलशन माधुशंका एक और बॉलर है जिसके ऊपर लेफ्ट आर्म है और नया नाम किया है, इंडियन कंडीशंस में अच्छे बॉल किए, तो दिलशन मधुशंका जो सेट फोर में है हम देख रहे हैं अभी, तो दिलशन मधुशंका के ऊपर बहुत सारा टीम बोली लगाएंगे। लेकिन KKR जो थोड़ा चुप बैठे थे अभी तक, अगर आप देखेंगे रायली रूसो और थोड़ा बहुत क्वेट्जी के ऊपर बिट किए हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ बिट नहीं हुआ है, तो शायद ऑल आउट वो दिलशन मधुशंका के ऊपर जाएंगे। शिवम मावी को KKR खरीद सकते हैं वापस, लेट्स सी इफ ही हैज़ द ट्रस्ट, और उसके बाद चेतन सकारिया। तो ये जो तीन ऑप्शन है ना 25, 26 और 27, ये तीनों के ऊपर KKR ऑल आउट जा सकता है, तो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो दूसरा बात है। मिचेल स्टार्क,
बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि मिचेल स्टार्क के ऊपर बहुत बोली लगेगा, बोली तो जरूर लगेगा, लेकिन मिचेल स्टार्क के फिटनेस के भी इशू है, तो मुझे नहीं लगता उतना बोली लगेगा जितना ट्रेविस हेड और जेरल कोटजी के ऊपर लग रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली डैरल मिचेल के जरा बोली जरूर लगेगा मिचेल स्टार्क को। तो मिचेल स्टार्क का होम कमिंग आरसीबी में कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मिचेल स्टार्क को पंजाब, गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद, ये तीनों टीम में से कोई एक जरूर टारगेट करेगा। जयदेव उनादकर, इसको भी हैदराबाद टारगेट कर सकते हैं। उमेश यादव, ये भी लोकल इंडियन टैलेंट है, शायद दिल्ली इसको वापस ले ले, लेट्स सी। फिर अकील हुसैन इज अ गुड चॉइस, आई थिंक अकील हुसैन को केकेआर टारगेट कर सकते हैं अगर मिलता है तो। अगर उस लोग ऑल आउट ज़्यादा बजट नहीं करवा देते हैं पहले से, तो जो सेट 5 में हम लोग आ चुके हैं, अकील हुसैन उसको ज़रूर टारगेट करेंगे केकेआर, मैं कहूँगा कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर सुनील नरीन फॉर फ्यूचर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अकील हुसैन। फिर मुजीबुर रहमान इस बार आरसीबी में जा रहा है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। आदिल रशीद, अगर आरसीबी को मुजीबुर रहमान नहीं मिलता है तो आदिल रशीद को जाना पड़ेगा। उसके बाद उतना मत कुछ नाम नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अभी दूसरा सेट में देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि मेजर क्या क्या सेट है जिसमें कोई मेजर नाम है। यही था आपका मेजर जो सेट्स का जो ज़्यादा बिकेगा, फिर हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा प्लेयर है दूसरा सेट में जो थोड़ा हल्ला मचा सकते हैं। तो हम लोग अगर आते हैं तो एक नाम ऐसा आ रहा है कि शॉन एबर्ट, जो कि है सेट 12 में, अगर आप देखेंगे शॉन एबर्ट, तो ये ऑस्ट्रेलियन की पेसर है, थोड़ा बैटिंग भी कर लेते हैं, तो शॉन एबर्ट इज अ गुड चॉइस फॉर आरसीबी एंड पंजाब। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल, ये भी है सेट 12 एज ऑलराउंडर, जो आरसीबी ने छोड़ा है लास्ट ईयर, तो माइकल ब्रेसवेल को भी ऐसा मुझे लग रहा है कि आइदर सनराइजर्स हैदराबाद या तो पंजाब, बहुत अच्छा चांस है उसको खरीदने के लिए। फिर जेसन होल्डर, ये भी है सेट नंबर 12 जिसको राजस्थान ने छोड़ा है, जेसन होल्डर को मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आरसीबी में जा सकता है एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, आइदर आरसीबी या गुजरात टाइटन्स, ये दोनों में से एक जेसन होल्डर को मैं देख रहा हूँ। डेविड विली भी लास्ट नाम है जो सेट नंबर 12 का, तो डेविड विली आरसीबी में था, अच्छा बॉलर है, तो आई थिंक पंजाब विल टारगेट हिम, आइदर पंजाब और हैदराबाद और गुजरात, तो ये भी ये तीन फ्रेंचाइज होगा। फिर सेट नंबर 13 में देखिए कुछ विदेशी विकेट कीपर्स है, सैम मिलिंग, जॉनसन चार्ल्स, बेन डकेट और शाई होप। इसमें से शाई होप का ही मुझे चांस दिख रहा है कि स्टेबल प्लेयर है, तो सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर में से कोई एक शायद शेन होप के ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद और ज़्यादा तो कुछ सेट्स में मेजर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एक जो मैं सेट पे आऊँगा वो है सेट नंबर 17, और उसमें एक नाम है हार्विक देसाई, जो विकेट कीपर है, अंडर 19 विकेट कीपर हार्विक देसाई, इसके ऊपर बहुत दाव लगेगा, इंडियन विकेट पिकर है, आई थिंक केकेआर और दिल्ली विल गो विथ हार्विक देसाई, तो ये एक नाम है जो मैं हाईलाइट करवाना चाहता था। अपार्ट फ्रॉम दैट वही है जो हमने हाईलाइट किया है पहले सेट में से, तो देखते हैं कि अभी क्या मैच होता है क्या नहीं होता है, वो तो 19 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हमारे ये पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।